ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल वर्ल्ड कप मैच होने वाला है गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और इसको लेकर दुआओं का दौर भी जारी है कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए। इसी के साथ मुमरा के खरड़ी रोड स्थित मन्नत हॉल में यहाँ पर एक बिग स्क्रीन लगाई जा रही है जिसमें फाइनल मैच लोगों को दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें कहीं ना कहीं भारत वर्ल्ड कप जीते इसको लेकर जो दुआ मांगी जा रही है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत को वर्ल्ड कप जीतना जो है इससे कहीं ना कहीं जो है भारत के लिए बहुत फ़ायदा साबित होता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जजील नवरंगे और तमाम लोग हैं जो यहाँ पर बिग स्क्रीन इस मन्नत हॉल में लगा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जजील भाई, क्या बताएंगे आप जिस तरह से कल फाइनल मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग ये बिग स्क्रीन इसके लिए लग रहे हैं कि हमारी इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। हमारी टीम जो है MYF टीम, उनकी तरफ से ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और हमने जिस तरीके से सारे वर्ल्ड की टीमों को क्लीन स्वीप मारते हुए फाइनल में आए हैं, इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया को भी बीट करके फाइनल का वर्ल्ड कप हम जीतेंगे और यहाँ पर इंशाल्लाह उसकी खुशियाँ बनाई जाएंगी। इसके लिए जो है इसका आयोजन यहाँ पर हमने किया गया। जजील भाई, देखा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है और 2003 में ऑस्ट्रेलिया से ही भारत का मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप में और भारत उस समय हार गया था, तो क्या लग रहा है आपको कि जो कल होने वाला मुकाबला है इसमें भारत बदला ले पाएगा? इंशाल्लाह बदला लेगा और बदला क्लीन स्वीप के साथ बदला लेगा और उनको करारा जवाब मिलेगा और उनको करारी हार के साथ जो है उनको ऑस्ट्रेलिया को सामना करना पड़ेगा, हमारे हिंदुस्तान के बैट्समैनों का और बॉलरों का। इसके अलावा मोहम्मद शमी और विराट कोहली ने भी जो है काफ़ी अच्छा इस मैच में प्रदर्शन किया है और नए रिकॉर्ड्स भी बने हैं, उसको लेकर क्या कहना है? उनके लिए तो उन सब के लिए मुबारकबाद है, मुबारकबाद तो पूरी टीम की है, स्पेशल जो है वो विराट कोहली, शमी, सब ने अपना प्रदर्शन जो है वो अच्छा दिया है और वो प्रदर्शन अच्छा देंगे, क्योंकि आज से कुछ वक्त पहले सचिन तेंदुलकर जो अपने हमारे मास्टर ब्लास्टर है उन्होंने कहा था कि अगर मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो है वो विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है माइंड ब्लोइंग है, उनके बारे में मतलब इतने शब्द है बोलने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए। इंशाल्लाह कल भी वो अपनी जो है एक सेंचुरी और करेंगे, शायद 49 हुई है तो उसको 50वीं पूरी करेंगे, 50 हो गई है शायद उसको 51वीं करेंगे। मन्नत हॉल में कहां पर स्क्रीन लगाई जाएगी और यहां पर कितने लोग लगभग आकर देख सकते हैं? मन्नत हॉल में स्क्रीन जो है इंशाल्लाह 30x18 की जो स्क्रीन, 10x18 की जो है ये जो सामने का जो हिस्सा है ना वहाँ पे 10x18 की स्क्रीन लगाई जाएंगी इंशाल्लाह, और यहाँ पर बैठने का प्रबंध किया जाएगा, हम सब मिलकर यहाँ पर बैठ कर आनंद करेंगे और कुर्सियाँ जो लगाई जा रही इसके लिए है, उसके हमारी टीम के लोग हैं, नासिर भाई है, बबलू सैयद है, अपना फाजिल अशरफी है और नासिर अपना मम्मू भाई है और अपना फिरोज भाई है, यूसुफ भाई है और हमारी MYF की पूरी टीम है जो MYF की बड़ी टीम है। इंशाल्लाह सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पे मैच का लुफ्स जो है उठाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रात को जो है पूरे मुमरा के अंदर जो है हिंदुस्तान के जीतने का जश्न होगा और इन मैच चालू होने से पहले अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर जो है वो दुआ का भी इंतज़ाम रखा गया, इंशाल्लाह दुआ भी होंगी। रोहित शर्मा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है क्या लग रहा है आपको खिलाड़ियों पर उसका जो है खेल में कम मतलब प्रेशर पड़ता है? रोहित शर्मा ने जो एक नया तरीका चुना है कि पहले ही जो स्टार्ट में वो उतरते हैं और
टीम का प्रेशर जो है वो कम कर देते हैं, वो कम बॉल में ज़्यादा रन मार देते हैं, जिसकी वजह से पीछे जो बैट्समैन आते हैं वो अपने आप को जमाने के लिए दो चार बॉल डॉट करते तो जिससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। रोहित शर्मा जो है वो अपनी हिंदुस्तान टीम को एक बड़ी शुरुआत दे के जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? नासिर भाई। नासिर भाई, क्या बताएंगे आप, कल फाइनल मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया का जी, तो किस तरह से आप देखते हैं मैच को, क्या लग रहा है? देखिए 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया में आया, 2011 में वर्ल्ड कप आया और इंशाल्लाह 2023 में भी वर्ल्ड कप इंडिया में ही आएगा। हम सब लोग वही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से भी इंडिया ही जीतना चाहिए, वैसे फेवरेट भी इंडिया ही है और इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी, पक्का जीतेगी इंशाल्लाह, हम लोगों को ये उम्मीद है। क्या बताएं? ये मौका हमको 2023 में मिला है कि हम एक बहुत बड़े पैमाने पे जश्न मनाएंगे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, और उसके लिए हमने तमाम तैयारी करे कि लोग आए इधर इंटरटेनमेंट करें और एक त्यौहार की तरह इसको देखे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला है, और हम दुआ करेंगे कि इंडिया विन हो और ऑस्ट्रेलिया कप लेकर आए। अच्छा जजील भाई, एक बात और पूछना चाहेंगे, लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अगर मैच में भारत जीत भी गया तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इंडिया को क्या फ़ायदा होता है, ऐसा लोगों की एक सोच है। इंडिया को फ़ायदा ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है हमारे स्पोर्ट्स का जो है वो नाम बढ़ता है, लोगों को स्पोर्ट्स का नाम बढ़ता है और 5 साल तक हम चैम्पियन रहते हैं, जो कप है ना वो हमारे हिंदुस्तान में रहा जाता है। ये वर्ल्ड कप जीतने से हमारे पहला तो जो देश की इकनॉमी है उसके अंदर भी बड़ा जो है फ़र्क पड़ता है और जो देश का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है, 5 साल तक के कप जो है हमारे देश में रखा जाता है और उससे जो है ना स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो एक लोगों की चाह बढ़ती है, जो नौजवान बच्चे हैं इस चीज़ को देखकर अपने आप में ये प्रयोग करते हैं कि हम भी जो है इंशाल्लाह इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे, आज ये जीते हैं कल इंडिया के आने वाले और लोग जो है उस चीज़ को वर्ल्ड कप को जीतेंगे। मुंब्रा के मन्नत हॉल में यहाँ पर देखेंगे आप कि सेलिब्रेशन के तौर पर यहाँ इंडिया को जीतने के लिए दुआएं मांगी जाएंगी और यहाँ पर एक बड़ा स्क्रीन भी लगाया जाएगा। मुंब्रा के खरड़ी रोड के पास में ये मन्नत हॉल है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी से ही बंदोबस्त चालू हो गया क्योंकि कल जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लोग यही कह रहे हैं कि भारत जीतेगा, उम्मीद भी की जा रही है कि भारत जीतेगा, लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है।